well, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप सब लोग को देख के पता लग गया होगा कि आज की मेरी वीडियो क्या होने वाली है। तो आज मैं आप सब लोग को दिखाने वाली हूँ हिजाब ट्यूटोरियल। और गाइस, मैं हिजाब से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ना, लेकिन मुझे जो हिजाब ट्यूटोरियल्स आते हैं मैं आप सब लोग को आज वो सिखाऊंगी, मतलब बताऊंगी क्या है मैं सिखाऊंगी। तो आज मैं आप सब लोग को वो हिजाब करके दिखाऊंगी। एंड आई होप कि आप सब लोग को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव भी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस, आपको एक पर्सनल बात बता रही हूँ, जो मैंने इंट्रो बनाया ना पीछे, इसको बनाने में मुझे 2 घंटे लगे। गाइस, स्टार्ट करते हैं इसी वाले हिजाब ट्यूटोरियल से। ये मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ और ये मुझे मोस्ट फेवरेट लगता है और बहुत ईजी भी है ये। सबसे पहले आपने अपनी हिजाब कैप लगा लेनी है। हिजाब कैप नहीं भी है तो कोई नहीं, लेकिन हिजाब कैप से ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने स्टॉलर को दरमियान से लेके ऐसे फोल्ड करके ना ये बिल्कुल इस पार्ट पे रखना है। और फिर आपने यहाँ से ये वाला पार्ट लेके इसको अंदर कर लेना है, इस सारी साइड को अंदर करके एंड इस तरह कर लेना, ठीक है। ये जब इस तरह हो जाएगा तो आप सब लोगों को ये वाली शोल्डर पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप ऐसे कर लें और यहाँ से ऐसे कर लें। और दैट्स इट, ये वाला हिजाब बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विक है। आप सब लोग को ये वाला हिजाब ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड वाले। सो गाइस, अब मैं आप सब लोगों को ये वाला हिजाब करके दिखाने लगी हूँ। और गाइस, आज के जो भी मैंने आप सब लोगों को हिजाब ट्यूटोरियल शेयर किए हैं वो सारे विदाउट हिजाब पिंस हैं। तो मतलब कि ये वाला बहुत ही मज़े की चीज़ है कि आपको टाइम पर हिजाब पिंस नहीं मिलती हैं, तो आप सब लोग विदाउट हिजाब पिंस भी कर सकते हो। सो गाइस, सेम आपने इस पे भी इस तरह हिजाब लगा के हिजाब कैप, और आपने वही दोनों साइड से हाफ हाफ पार्टीशन करके और इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके आपने ऐसे रख लेना, ठीक है। और ये जब आप हिजाब कैप लगाते हो तो खुद ही इस तरह की ना ये बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अगर ये विदाउट सेफ्टी पिन वाला मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको मोर सिक्योर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक सेफ्टी पिन भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर नहीं तो सेम आपने ये वाला पार्ट अंदर कर देना है और इस वाले पार्ट को ऐसे ऊपर को लेके जाना है और ऐसे, ठीक है। आपने ऐसे करके आप पीछे वाले साइड पे ऐसे रखना चाहते हो तो वो ज़्यादा सही नहीं लगेगा। अब मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। पे आप हिजाब पिन या सेफ्टी पिन टाइप कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा, मतलब मैं बता रही हूँ, ज़्यादा देर तक सिक्योर करना है। लेकिन नहीं तो आप सब लोग यहाँ से ऐसे ही वाली साइड अंदर कर सकते हो। और ये देखें कितना प्यारा हिजाब हमारा रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है। ये वाला हिजाब कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताएं। और अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड हिजाब ट्यूटोरियल पे। सो गाइस, ये हिजाब करना भी बहुत इजी है। आप सब लोगों ने इसी तरह दोनों साइडों से पार्टीशन लेके इस तरह और अपनी हिजाब के पैसे कर लेना है और बिल्कुल आपने आगे को करना है स्टॉलर। फिर आपने ये वाली जो साइड है इसको फिर इस तरह कर लेना है और इस वाली साइड को इस तरह कर लेना है। आपने सेम, मतलब कि सेम लेना है। और आपने ये वाला हिजाब तो बहुत जगह देखा होगा और ये बहुत प्यारा भी लगता है। और आप चाहें तो थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा लगता है और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हिजाब है। सो आई होप कि आप सब लोग को ये वाला भी पसंद आया होगा। Thank you.
हिजाब ट्यूटोरियल वीडियो है और मुझे भी यही कुछ हिजाब ट्यूटोरियल्स आते हैं और प्लीज़ डोंट जज मी क्योंकि मुझे ऐसे ही आता है। और आई होप कि आप सब लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सब लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आप सब लोगों को अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।